अगला जेंसर और के पी आई टी टेक्नोलॉजी बनने वाला है कैल्टन टेक्नोलॉजी डायरी और आज हम बात करने वाले कैल्टन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यू थ्री के रिजल्ट के बाद भारी तेजी की संभावना है इस स्टॉक में आइए जान लेते हैं कि कैसा है ये शेयर तो दोस्तों केल्टन टेक का स्टॉक का प्राइस एट्टी वन पॉइंट एट्टी पहुंच चुका है 85 रुपए का हाई लगाया था लेकिन ये क्लोज जो है 82 के समथिंग यहां पर हुआ है अगर आज की बात करें तो आज बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है ऊपर से यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं यानी टीवी एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर इस स्टॉक के ऊपर दे रहे हैं क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन कंपनी है और इसके ऊपर आपके ध्यान होना चाहिए तो इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा अगर आप एक स्मॉल कैप स्मॉल कैप कोई आईटी सेक्टर की कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि आगे चलकर एक लार्ज लार्ज कैप बने या लार्ज कैप नहीं तो लार्ज रिटर्न दे तो आपके सामने एक कैल्टन रैंक ये एक ऑप्शन है और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैंने सोलह दिन पहले मैंने आपसे बात की थी जब ये स्टॉक था तिरसठ रुपये पर ये स्टॉक तिरसठ रुपये पर था सिक्सटी थ्री रुपीज पर और इसके ऊपर बात हुई थी और ये खरीदने की राय मेरी तरफ से रही थी और आज के दिन देख लीजिए आज 81.80 पर ये स्टॉक पहुंच चुका है तो एक ह्यूज रिटर्न आपको मिला है लेकिन ये रिटर्न अभी छोटा मोटा रिटर्न है अभी तो बड़े रिटर्न के लिए तैयार रहिएगा मुझे ऐसा लगता है कि जब इसका ऑल टाइम हाई अभी 92 का जो लेवल है वो टूटेगा तो इसके बाद थ्री डिजिट में स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको थ्री डिजिट में अच्छे खासे रिटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे प्लस इसके साथ साथ आपको ये और ध्यान रखना है कि स्टॉक अभी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ़ देख सकता है यानी थोड़े से नीचे के लेवल आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो बहुत हाई हो चुके हैं ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर जब थ्री डिजिट हम पार करें तो फिर हमें टू हंड्रेड या वन फिफ्टी से टू हंड्रेड के लेवल आते हुए देखेंगे प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर क्यू थ्री के रिजल्ट काफी ज्यादा मायने रहेंगे अगर क्यू थ्री के रिजल्ट बहुत अच्छे निकले इसके तो आप यकीन आप इसमें भयंकर तेजी आते हुए देखेंगे अब दोस्तों इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखिए बहुत ही छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इसमें ह्यूज रिटर्न मिलने की आपको संभावना है आपने अगर आपने इसमें सौ शेयर लेकर अगर छोड़ दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टेन टाइम्स का रिटर्न आने वाले समय में आपको देने की क्षमता ये स्टॉक रखता है क्योंकि ये ऐसे काम ही करता है क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या क्या नहीं करता गेमिंग में ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है इन्होंने तो बहुत ही ह्यूज अच्छा रिटर्न आपको बनाने में एक कैपेबल कंपनी है तो मार्केट क्या भी बहुत छोटा है यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो प्राइस में बहुत ही ठीक ठाक स्टॉक है प्लस इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके इक्विटी नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो नौ करोड़ हैं कुछ ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर आपको यहाँ पर बोनस मिलने की कोई कमी नहीं रहेगी अगर ये कंपनी बहुत अच्छा करती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर कम है मेरे ख्याल से इसकी फ़ेस वैल्यू भी यहाँ पर अगर देखें तो फेस वैल्यू भी वन के आसपास है और यहाँ पर अगर ये फेस वैल्यू वन है तो ये बहुत अच्छी बात है ये फिर ये बोनस देने से पहले पीछे नहीं हटेंगे तो क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट करने की चांसेस जो है वो बहुत कम है अभी अगर देखें तो इनकी नेट सेल देखिए कभी यहाँ पर जो है जितना इनका मार्केट कैप है इतना ही इनकी नेट सेल है तो आप जानते हैं ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है वो अभी आनी बाकी है तो सेवन सेवेंटी फाइव पॉइंट करोड़ रुपीज की नेट सेल है और प्रॉफिट 70 करोड़ का करके दिखाया था सालाना तो दो हजार मार्च में जो रिजल्ट आए थे उसमें 70 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था और 775.63 करोड़ फाइव का यहाँ पर जो है नेट सेल थी तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती ये कैपेबल है आपको इसके ऊपर नजर जरूर रखनी है और जब चारों तरफ जब इसके ऊपर बात होने लगी है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस कंपनी में कोई बात है जो कि लोग पकड़ रहे हैं इस को और ये आपको बता रहे हैं तो इस पर जरूर आपकी यहाँ पर जो है पोजीशन अगर हैं तो आपको होल्ड जरूर करना चाहिए पर कोई नया बंदा लेना चाहता है तो बिल्कुल यहां पर अपॉर्चुनिटी है यहां पर आपको पैसा बना के देने की क्षमता है स्टॉक के अंदर और आज के कारोबार की बात करें तो पांच या तीन सौ आठ करोड़ आठ शेयर्स अभी पेंडिंग है खरीदने के लिए 81.40 के प्राइस पर और यहाँ पर 37.69 परसेंट की डिलीवरी हुई है 92 99 पॉइंट माफ़ कीजिए 99 ,00 लाख शेयर्स में काम हो चुका है आज की डेट में और आज के दिन बहुत बड़ा वॉल्यूम था वॉल्यूम के साथ ये चला है ये एक अच्छी बात है यहाँ पर 37.69% की डिलीवरी हुई है ये भी एक नंबर है जो कि आपको बताता है कि हाँ अगर कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल इसमें एक पोजीशन बनाने के लिए एक टाइम आएगा और मैं वहाँ पर ख़रीदना चाहूँगा अगर पाँच रुपये नीचे मिलता है तो मुझे खरीद लेना चाहिए तो ये स्टॉक बताता है और इसके टेक्निकल भी आपके साथ है अभी अगर बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा था कि जेंसर जेंसर टेक्नोलॉजी देखिए वो भी कुछ एट्टी रुपीज़ के प्राइस पर था जेंसर टेक्नोलॉजीज़ और एट्टी रुपीज़ से देखिए आज की डेट में फोर नाइन्टी और पांच का आज की डेट में रिटर्न है तो बहुत ही बहुत ही बढ़िया कंपनी है इसको अगर आपने लिया है तो आप निराश बिल्कुल मत होइएगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस या कंसोलिडेशन का फेज आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके शेयर भेजते हैं कंसोलिडेट जितना करेगा उतना ही आपको रिटर्न देने के लिए तैयार होगा और Q3 के रिजल्ट का वेट करिए हो सकता है अगर क्यू के अच्छे रिजल्ट आ गए बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए तो हाँ जहाँ पर तेजी रही है उस जगह पर नजर रखिए क्योंकि वहां पर लोगों को लग रहा है कि इसके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं तो इस को पोजिशन बनाना चाहते हैं तो कंपनी में कोई कमी नहीं है प्रॉफिटेबल कंपनी सेल बहुत अच्छी है और नेट सेल के पास ही उसकी जो मार्केट कैप है वो है तो मार्केट कैप जरूर यहां से जो है थ्री टू फोर टाइम्स होने की कैपेबिलिटी रखता है तो यहां से स्टॉक भी थ्री टू फोर टाइम्स है जाने के लिए तो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी अगर आपको पूरी बात जाने, इसकी वेबसाइट ये काम क्या करते तो पिछली वीडियो डली है और आप वो देख सकते हैं उसमें डिटेल में दिया रखा है तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, में और आप दीजिए मुझे इजाजत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों